तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? और इनको इनको ऊपर रख दे भाई। इनको तो वापस रख देना। तो अभी कोको हम को जा समझ रहे में हैं, आ गया है कि ये जा कोको रहे को हैं। समझ में आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। आज सोमवार है, छुट्टी है, सुबह वर्कआउट किया है और अभी टाइम है घूमने जाने का। हालांकि आपका फेस बिल्कुल डार्क इलेवन ब्लैक आ रहा है। हाँ बस 11:30 11:30 हो गए, लेट हाँ है यार, हम। हम लेट हैं हम लोग। चलो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं आप बताओ? हरिद्वार अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार। मैं अपने क्रॉक्स पहन लेता हूँ और क्रॉक्स पहन के चलते हैं अभी हरिद्वार, हरि का द्वार। सो 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 आज ऑफ है, क्लिनिक हमारा जो है बंद है। हाँ, चेंज करने के लिए चेंज करने के लिए सही आ रहा है। मैंने इसको बोला था के लिए 1 सेकंड इतने तेज भाग गए काम। तो इस साइड की लेंथ लंबी है क्या? और यहाँ पर हमारे स्टूडियो का देखो पूरा सामान, ये एंड डोंट टेल मी हमारे पास नहीं ये नहीं है, ये थोड़ी था। है, ये पकड़ो एक मिनट, एक हाथ से पकड़ो। इसमें क्या क्या रहा तुम लोगों ने, इसमें क्या किया था? वो रखा था ना, उनको लगा होगा कि स्टूडियो का कोई सामान है। ये हमारा टेंट है। मैं अपने आप को देख रही हूँ। और नहीं, कुछ गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो ये हो ऐसे जाता है, बट मुझे याद नहीं आ रहा कि ओके 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 ये कहाँ फंस गया भाई? मैं भाई ये क्या हो रहा है? ठीक है ठीक है। You did it. Wow, that's great. चलो 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 और चलते 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 टाइम लग गया। ये देखेगा फाइनली गुड्डू जो दर्शन हो चुके हैं। गुड्डू ज़्यादा लंबी छुट्टी ना होगी? हाँ अभी है, अब ना होगी तो भैया फाइनल काम फाइनल स्टेज पे है। अब अगले 15 दिन में क्लिनिक शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी मन चेंज हो रहा था, पूजा बोल रही थी कि गढ़ चलो, मैंने अभी बोला है कि नहीं चल लो क्योंकि अभी गाड़ी की चाबी। गाड़ी की? किसकी गाड़ी की? नहीं है ना,
है, गाड़ी की चाबी मेरे पे है। आप वो दिखवा लो, अंकल से बोल दो आप। अंकल बच्चे इनका ध्यान रखवा लियो, हम लेट हो जाएंगे। हाँ 4 बजे आएंगे। हम चल रहे हैं भी कहाँ, हनीमनी चल लेते हैं एक बार ना। हाँ पहले वो फ्रेशली, हाँ वो फ्रेशली का नाम जो है हनीमनी का नाम चेंज हो गया फ्रेशली। हम आज भी मुझसे जो है वो हनीमनी निकलता है। क्या टाइम हो गया, 12 बज गया ना। 12 बज गया यार। देखो सुनो, सबसे पहले तो एक चीज रखना है कि एक तो हमें बाहर का कुछ नहीं खाना है। खाना ही नहीं है बाहर का। और देखते हैं कि कितना मैं टॉलरेट कर पाऊंगी इस चीज को। हाँ, क्योंकि मेरा मैंने अपने को ही बोला है मैं खाऊंगा। और एक चीज इधर दिखाओ, एक चीज कन्फर्म है कि अगर तुम्हारा मन करे तो मैं खा लेना। मैं तो बिल्कुल टच भी नहीं करूंगा। ओके। मैं साइड में अपना सारा सामान लेके आए हैं, लेके तो चेक कर लिया था ना सामान। हाँ, मैंने अपना जो है एक पनीर ले लिया है सैंडविच के लिए। चलो पनीर ले लूंगा, पनीर ले लेंगे, टॉपिंग्स ले लेंगे। और एक और चीज मैंने आपको बोली थी वो भी ले लेंगे, थोड़ा सा चाय के साथ के लिए चाहे आप कुछ ले लेना। हाँ, मतलब हेल्थी कुछ भी जो है स्नैक्स ले लेना हेल्थी। बट अभी ये है कि आज बढ़िया बाहर से, मतलब वैसे मार्केट से लेके कुछ नहीं खाना हमें, ये हमारा चैलेंज भी है। और बस जाना है नहा के, अपना दर्शन करके, बढ़िया दर्शन करके अगर गंगा जी में डुबकी लगा के, और अगर कहीं चाय भी पीनी है तो चाय भी चाहे एक बार पियो दो बार पियो, अपना दूध ले लेंगे कहीं से जो है बना के ऐसे ही पियेंगे। ठीक है, मेरे लिए सैंडविच बना देना बढ़िया से जो है। हाँ कल आपने इंतजाम कर दिया और मैं चाहूंगा कि इंतजाम हर हफ्ते हो। ओके, तो हो जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ, एक दिन कर सकते हैं इस काम को भी। मंडे से फ्री दिन रहता है, हालांकि आज हम सोच रहे थे पहले कि कल चले जाएं, फिर हमने सोचा कि नहीं यार कल नहीं, आज ही चलो। तो अभी आ चुके हैं हनीमनी, टॉपिंग्स न्यूट्रल ले लो, ले लो ना बस एक। इसके अंदर तो फिर उसकी सैंडविच में और चीज़ की जरूरत कहाँ है? लेकिन इसके वो बहुत है, कैलोरीज सही होंगी इसके अंदर जो है। सो दिस इज डॉक्टर पूजा का फेवरेट, क्योंकि इनको हमेशा ना बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो ये है आपको कितने का आता है ये, मैं प्राइस भी देखना चाह रहा हूँ, मुझे अभी तक दिखा नहीं। ओके 699 का है, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है, छोटा सा आता है लेकिन क्योंकि ये बाहर का प्रोडक्ट है तो बहुत बढ़िया लगता है खाने में भी। टॉपिंग्स होंगी उधर, देखो पर ये पकड़ो एक बार आप, मैं ब्रेड लेकर आ रहा हूँ क्या। और ये देखो, ये नहीं, ये मेरी समझ से बाहर की चीज़ें हैं, ना तो मैं इनको पीता हूँ ना ही मैं इनको किसी को कहता हूँ पियो। बट फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो समझाने के बावजूद जो है इन चीज़ों को ले रहे हैं। ले लो, आपका मन है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो शुक्र है, थोड़ा बहुत गुस्सा नहीं है, कोई बात है जब हम बच्चों को मना करते हैं पीने के लिए। हाँ तो बड़ों के लिए क्या, ढंग की चीज़ पियो, अच्छी चीज़ पियो, खाने पीने के लिए मना नहीं है कुछ भी जो है। हाँ वो ले लो कुछ भी। ब्रेड ले लो। तो बहुत अच्छा फ्लेवर है, ये भी ले लिया है, ये डॉक्टर पूजा का फेवरेट है। और ये प्लेन सॉल्टेड रोस्टेड सॉल्टेड, ये मैं लेता हूँ। तो अभी सब कुछ तैयार जो है हो चुका है, सामान जो है रास्ते के लिए ले लिया जा चुका है। और हमने बोला था कि बाहर का नहीं खाएंगे। हाँ अभी निकले नहीं है, लेकिन आई विल नॉट हैव इट, अकेले आपको ये दोनों खानी पड़ेंगी। कहाँ रखोगे? तो बीच में
में क्यों रुके हैं, क्योंकि अभी आप खाना हम खा ही चुके हैं, तो मुझे लगता है कि 4 आवर्स में हम लोग पहुँच जाएंगे। 4 आवर ड्राइव है, और वहीं पे जाके हरिद्वार में ही रुक के चाय लेंगे फिर हम, और वो वहीं पे बना लेंगे, कहीं और बीच में नहीं रुकते हैं। या आपको क्या मानना है? ऐसा कर लो, हरिद्वार पहुंच के ही फिर अपना जो हाँ। करते हैं, बीच में चाहे दूध वगैरह रखा वो पी लेंगे। हाँ, वो अगर आपको पीना है तो आप देख लेना, क्योंकि मैं तो अपनी आइसक्रीम खा चुकी हूँ आज। और वैसे भी मुझे आज है मेरा चीट डे, लास्ट डे। ठीक है, अभी देखो, अभी हम वो करा रहे थे, अभी साथ में जो है अभी खाना खा रहे हैं, तो इन्हें सोच रहा हूँ इन्हें थोड़े से यहीं से शुरुआत कर दूँ, इन्हीं कोई समोसे वगैरह। ग्रेटर नोएडा से अब चल चुके हैं, और ये देखिएगा चलते चलते ही मतलब मजा तो आ गया। मैंने बात की थी आज कि आज पूरे दिन हम बाहर का कुछ नहीं खाएंगे, तो बाबा 2 आइसक्रीम खाई जा चुकी हैं। यार देखो, आ लास्ट डे चीटिंग का, सच में आ लास्ट है। और मैं बहुत दिन से नहीं खा रही थी, ऐसा नहीं मैंने मीठा खाया इतना, आज खा रही हूँ, सिर्फ आज आज की छूट है। और जब इतना दिन में खाओ यार, तब तो बनता है ना यार, तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? यस राइट, मोटी हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी है यार कि मैं तो अभी भी चलते हैं मजे लेते हुए, और मिलेंगे जल्द आपको हाईवे पे। यार एक बात करो, एक वो बताओ मुझे, आप मेरे लिए गाना गाओ आप, अच्छा सा एक। आपके लिए गाना? एंगल नहीं आ रहा, अच्छा अब आ रहा है, अब आ रहा है, आ रहा है, नीचे कर, नीचे, नहीं नहीं, हाँ वेरी गुड। आपके लिए गाना, मेरी आवाज थोड़ी सी ज्यादा सुरीली है, कहीं आप जो गाने को खो ना जाओ। ना नहीं खोलेंगे, मेरे अंदर काफी, देखो मैं अपने आपको एक मल्टी टैलेंटेड इंसान जो है समझता हूँ, लेकिन बस एक ही कमी है जो मुझे लगता है मैं नहीं कर पाता हूँ, वो है गाना, और वो है सिंगिंग। क्योंकि आवाज इतनी, कल मेरी उससे बात हो रही थी, क्या नाम है, अरे अपना जो यार, ओहो ये साला सही टाइम पे मैं नाम भूल जाता हूँ। देखो एक की कमी भी है तुम्हारे अंदर, ये कमी भी बहुत ज्यादा, इसे पॉज करो। नहीं ये नहीं चलेगा, जल्दी से बताओ किसकी बात हो रही है। प्रदीप, प्रदीप, प्रदीप से बात हो रही थी मेरी। अच्छा अच्छा, प्रदीप, प्रदीप भाटी एक्टर। अच्छा अच्छा, तो मूवी आ रही है उनकी, मैंने एक फोन भरा उनको, और भाई क्या हाल है, जो कह रहा डॉक्टर साहब बहुत बेस आ रहा है आवाज। आजकल पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं ना, तो मुझे ज्यादा आजकल आवाज में कुछ भारीपन जो है वो आ रहा है कुछ, और मैं जब आवाज हेलो कर रहे हैं, हेलो हाँ जी भाई क्या हाल है, तो पूरा भारीपन वो अमरीश पुरी वाली सी आवाज आती है। तो कोई बात नहीं, ये देखेगा ये देखो, मैकडी में छोड़ के जा रही हूँ, ये मैं कब तक छोड़ूंगी ये नहीं पता। मैकडी यार आज मेरा चीट है, आज तो खिला ही सकते हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो चीट हो गया जो होना था, स्टारबक्स भी था इधर, हाँ हो गया अब जो तो होना था भैया हमारा। अब एक चीज आपकी मान ली, अब सारी चीज हमारी माननी पड़ी। तो हम कहाँ थे, हम थे गाना पे, गाने गाना आज आप मेरे लिए गाना सुनाओ। नहीं मैं तो बता दे, मेरे तो आपकी तो आवाज भी बहुत अच्छी है, लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मेरी तो आवाज बढ़िया नहीं है। नहीं बताओ कौन सा गाना सुनोगे, कोई पुराना सॉन्ग सुना दो, फरमाइश बताओ, क्योंकि मेरे मुंह से तो आप कोई भी गाना सुन लोगी, हर गाना एक सा ही लगना है तो। और आप आज जो आपको आता हो, मतलब वैसे नहीं, गाने तो मुझे सारे आते हैं, तो फिर कोई भी एक गा दो उनमें से। मुलाजा फरमाइएगा। यस इरशाद, इरशाद हवा लगड़ गई है तो ज्यादा। कोई बात नहीं, चलो यार आज कुछ ज्यादा वैसा आ रही है बात सी।
रियाज नहीं किया ना मैंने कभी। मुझे वैसे गाने था, वैसे से आरंभ है ना, ना ऐसा नहीं सुनना मुझे कुछ भी आरंभ है, वो तो फिर ऐसे अजीब सा हो जाएगा। चलो मुझे लगा ही था, मुझे लगा था यही गाओगे आप क्योंकि मैंने यही गाया है जब भी गाया है क्योंकि यही गाना मुझे याद है। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे। ये क्या हो गया, बंद हो गया, सॉरी सॉरी, क्या हो गया, इतनी बुरी आवाज ये क्या हो रहा है, हो रहा है, चल रहा है। अच्छा ओके स्क्रीन चली गई, तुम मैं इतना बुरा मेरी आवाज सुन के कैमरा बंद हो गया। इतनी देर में तो एक घंटे में तो सुराया। चलो दोबारा शुरू करता हूँ। मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। ठीक है दोस्तों, कितना वाहियात गाना लगा आपको मेरा। ऐसे कुछ नहीं होता वाहियात, अच्छा बुरा, मेन होता है इंटेंशन। इंटेंशन अच्छी थी, हर कोई तुम्हारे सिंगर, लिए हर कोई सिंगर नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए गाया, तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन औरों की क्या सजा है, जो उनको थोड़ी अच्छा लगेगा। तुम देखो सबसे अच्छी चीज होती है किसी चीज के एफर्ट्स डालने, मतलब देखो हर कोई एफर्ट्स। अब आप मेरे से कहने लगो मैं नहीं गा सकती, क्यों नहीं गा सकती, बहुत ही बकवास आवाज है मेरी, आपकी तो बहुत अच्छी है, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। तो मेरे लिए आपने किया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच। लाल वाले 160 रुपए, मीठे हैं, बढ़िया 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 से 1 किलो निकाल दो। ये क्या है, ये वाला जो फ्रूट है, ये तो है राम सीता फल, राम फल, एक फल लेना है ये भी। अच्छा वो भी दे दियो, वो कौन सा फल है, ये राम फल है, राम फल दे दे, एक राम फल और दे दो, दो दे, ना ना एक ही दे दो, ये भी आ गया, ये भी कटिंग है क्या, कितना होगा, 200 होगा भैया, रामफल फॉर द फर्स्ट टाइम, सुना जरूर था मैंने, बट ये भी नहीं पता था कि ऐसा होता है। ये मैंने खाया भी है पर मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे ज्यादा अच्छा लगा नहीं तो कभी खाया था। ठीक है तो पूरा खाओ, मैं जब मानूंगा ना, ठीक है जब पूरा खा लोगे इसे। तो ऑन द वे हमारा पहला मील।
की बॉडी जल्दी पहुंच गए थे और फिर पूजा को लगा कि अपना थोड़ी शॉपिंग कर लें, तो अभी शॉपिंग की जा रही है। ये देखो पूमा पे आके तो भैया आ चुके हैं बिल्कुल गंगा के किनारे और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जगह मिली है। हमारे बाबा चौधरी चरण सिंह जी जो है इनकी, ये समझो कि इनके चरणों में ही बिल्कुल जो है बैठ कर खाने जगह जो है मिली है और यहीं अपनी हम जो है अपना कैंपिंग करने वाले हैं आज की, क्योंकि खाना लग चुका है, भूख अब लगने लगी है। डॉक्टर पूजा अपना निकालते हुए पूरा सामान यहीं रख लो। बहुत बढ़िया जबरदस्त। कौन से वाला? ये तो बाद में निकाल लिया। दूध तो बाद में निकाल लेंगे। हाँ। ये चाहिए हमें। प्लेट भी एक निकाल लो, बाकी सब अपना रख के। एक प्लेट बहुत है। टेबल नहीं रही। कौन से? हाँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है। टेबल पर रख के कुकिंग कर सकते थे, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ? एक प्रोडक्ट ख़राब निकल गया हमारा। चलो आओ। और कहाँ है सामान? सारा है उसमें ही सारा। टॉपिंग्स निकाल लो। इसमें क्या है? टॉपिंग्स और एक सामान अंदर होगा बटर के लिए। बटर, बटर मैं अंदर से निकाल लेता हूँ। और हमारे अभी तो समोसे भी तो रखे हैं, अभी तो समोसे बाद में बांटेंगे, पहले हम अपनी पेट पूजा फिलहाल कर लेते हैं। बटर वाला हमारा आ गया। हमारा ना पूरा भी आप ही लगाओ दोस्तों। क्या स्टार्ट करिए? हाँ स्टार्ट है। तो भी हम पहले बनाने जा रहे हैं चीज़ें खाने की। हाँ सो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं अपने सैंडविच। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त एकदम लोकेशन है और बेहतरीन। अभी देखो यहाँ सैंडविच की जो है तैयारी हो चुकी है। पनीर गंदा हम नहीं कर रहे हैं, पनीर सब कुछ। हाँ और सबसे बड़ी बात आपको देखोगे जब भी हम इधर बना के हटेंगे तो आपको एक छिलका क्या एक वो भी नहीं दिखाई देगा कहीं भी, क्योंकि सबसे पहली बात कि हमें साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए और लोगों ने यहाँ पे जो है वैसे गंदा ऑलरेडी कर रखा है, बट फिर भी जो है देखो आप कितना साफ़ सफाई यहाँ पे जो है पूरी तरह से है वो मेंटेन। बटर कौन से वाला चाहिए? ये वाला देखो चेयर कितनी बढ़िया तरह से जो है वो एकदम एडजस्ट हो रही है, काम दे रही है। तो मल्टीग्रेन ब्रेड्स के साथ हम बनाने वाले हैं आज, और ऐसा लग रहा है जैसे हमारा प्राइवेट एक तरह से हमारे जो है प्राइवेट क्या बोलेंगे इसे जो है ये घाट। सुनो तो सही मेरी बात, सुनो रुको मेरा आप अभी डॉक्टर पूजा मेरा प्लान नहीं समझ रहे हैं देखो। हाँ तो ये दो मेरे होंगे, मेरे लिए बना लो और ये दो मेरे हो गए हैं। तो अब यहाँ पे बात आ गई है कि मैं अपने हिसाब से अपना सैंडविच जो है बना रहा हूँ।
डॉक्टर पूजा को सॉफ्ट पसंद है एकदम। अभी ये क्या है, ये हुआ है हमारा प्री स्टेज। समझ रही हूँ मैं, आप दिखाओगे मुझे नहीं पसंद। अंदर से कच्चा नहीं, अभी आप समझी नहीं, अभी नहीं समझी आप। अरे भाई जितना ज्यादा कर लोगे कितना टाइम मिलेगा आपको ये पकाने के लिए, फिर जल नहीं जाएगा वो। भाई ये भी पॉइंट की बात है, बस तो हद ही हो गई, सुन ही नहीं रहे हो बिल्कुल। ब्रज घाट पे आके हुई लड़ाई होनी चाहिए लड़ाई। मैं अब देखो, अब मेरी बात सुनो, कि ठंडा हो गया, अब इस पे जो है आप यहीं पे ही रख के रखे, क्योंकि मैंने जैसे गैस को बंद कर दिया है तो आप यहीं पे ही बना सकते हो। अब रखो इस पे, देखो अब अंदर की साइड से हो गया बढ़िया, अब बना दो ही नहीं पाई। सो दिस इज अवर ओवरलोडेड सैंडविच बाहर निकल के आ रहा है। बेहतरीन तो बहुत बढ़िया रहा दोस्तों, वन मोर कैंपिंग। और सही बताऊं तो ये सारा चीजें जो हम कर रहे हैं इसमें बहुत मजा आ रहा है। अभी चलते हैं हम नहाने के लिए हरिद्वार। हरिद्वार में, हरिद्वार तो है ही, हम नहीं हरिद्वार में, नहीं देखो लिख रहा हरिद्वार में, वही पढ़कर कंफ्यूज हो गया। अब हम चलते हैं हर की पौड़ी। By the way, we are approx 3 km far from Haridwar. So, अभी कांड हो गया था। अभी हमें लगा कि हमारा फोन खत्म उड़ गया और पता लगी, मतलब ये था कि वो जब कॉल कर रहे थे तो कॉल उठा नहीं रहा, कोई गाड़ी में मिला नहीं, वो गलती से मैंने जो है डिग्गी में रख दिया फोन। समझे लापरवाही का नतीजा क्या होता है, देखा लापरवाही का नतीजा। चलो जी दोस्तों, ये वही घाट है जहाँ हम लास्ट टाइम थे, लेकिन इस बार यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है, हैं? तो हर हर गंगे, वो मेरे हिसाब से वो वैसे भी इतनी चौड़ी नहीं थी, वो इसमें से निकली हुई कोई वो है। कौन? हाँ जय श्री वेदा, ये देखिएगा चेंज करने के लिए बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप इजीली कहीं से भी अमेज़न वगैरह से मंगा सकते हैं। और लोग देखिएगा, भीड़ बहुत भीड़ है दोस्तों, बहुत बढ़िया रहा है अभी तक। खाना पीना खाने के बाद अब गंगा के जो है अपने पाप धोते हुए, पाप हालांकि बहुत कम है फिर भी जो होंगे वो धो जाएंगे, मैं वही कह रहा हूँ, जो हैं बहुत कम लेकिन जो अनजाने में होंगे वो भी धो जाएंगे, है ना। और देखिएगा अंदर से भी जासूसी की जा रही है, क्या बात चल रही है बाहर। हाँ ना कर रहा हूँ, हाँ कर दो और क्या। चलो ठीक है, कोई दिक्कत। Yeah.
चलो 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 हाँ जी हाँ लगा दिया भैया का लगना है वैसे हाँ बिल्कुल अच्छी लग रही हूँ मैं तुम भी बहुत अच्छी लग रहे हो तुम्हारा नाम क्या है हसन परी अरे वाह परी तो परी जैसी है बिल्कुल परी नाम है उसका बस कर रहे हैं अभी आपको नजर मत लगा दो बाल नजर ना हो जाए तुम्हारी नहीं नहीं नजर बच्चों की नजर नहीं लगती भगवान जी ने बनाए अच्छे हैं बेटा अरे रोको ना कहीं परेशान अभी दिलाते हैं रुको क्यों परेशान तो दोस्तों अभी आ चुके हैं हम बीच में एक ब्रेक ले रहे हैं और अभी जो है देखिएगा इधर स्टारबक्स भी है बाकी सारी चीज़ें हैं और हल्दीराम भी है मैकडोनल्ड्स भी है हॉक्स किचन भी है The Belgian fries भी है United Color of Benetton भी है तो यहाँ काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं हाँ कहाँ पे हाँ याद है इसमें वो किया था हमने क्या बोलते हैं यहाँ पे चाय भी थी और गुड़ भी लिया था यहाँ से गुड़ भी लिया था यहाँ से है ना गुड़ भी लिया था तो यहाँ पे एक ये नमस्ते इंडिया भी है तो यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं जो ऑलरेडी आप यहाँ पे आके जो एंजॉय कर सकते हैं ये नया इसमें बच्चे जाके घूमते हैं ये प्रॉपर इन्होंने गांव का सा थीम जो है वो बना रखी है नाइस और ये प्रॉपर देखिएगा अंदर जो है इन्होंने पूरा बढ़िया तरह से एक शॉपिंग के लिए एक बढ़िया वो बनाया हुआ है यहाँ पे आके आप सारी चीज़ें जो है कुछ भी अपना ट्रेडिशनल चीज़ें जो है वो ख़रीद सकते हैं सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर कुछ एक नई चीज़ मतलब वो दिख जाए ना तो कोई ये खामा खा की कोई ज़रूरत नहीं कुछ नहीं किसी चीज़ की जो है लेकिन ये है कि बस ले लो बात है आई तो तुम ये सुनो ये वैसी ट्रिप ना कुछ भी तुम्हारी शॉपिंग ट्रिप है पूमा भी खरीद लिया ये भी खरीद ली ये हमें कैंपिंग महंगी पड़ती थी क्या हर हफ्ते की तो दोस्तों कुल मिला के बहुत सारे आइटम्स हैं यहाँ पे तो आप आगे कभी भी जब इधर से जा रहे हैं आप तो ये जब आप दिल्ली साइड से आ रहे हैं तो आपके राइट हैंड साइड पे सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ेगा और जब आप उधर से आ रहे होंगे तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा लेकिन सामने कट है तो इजीली आ सकते हो तो ये शॉपिंग हमने जो है अपना कर ली है अभी यहाँ से भी अब पेट पूजा डॉक्टर पूजा की पेट पूजा होगी क्योंकि मैं तो खाऊंगा नहीं तो थैंक यू भाई आएगा तो भाई ने हमारी बहुत हेल्प की है नमस्ते इंडिया में शॉपिंग करने में क्या नाम है शुभम तो भैया सुबह यही मिलेंगे आप पूछ लेना आके कभी भी इधर आना हो ठीक है फिर शॉर्ट ब्रेक यहाँ से हम निकल चुके हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कलर हाँ वो ग्रीन है ना एकदम वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन तो ये रुकने के लिए बहुत अच्छी जगह है मुजफ्फरनगर से थोड़ा सा पहले है जब आप दिल्ली साइड से आओगे तो आपको ये इधर दिल्ली है दिल्ली साइड से जब आप आओगे तो आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा पूरा ये नमस्ते द्वार एंड जब उधर से आएंगे आप जब अगर मान के चलो आप क्या बोलते हैं इसको आप मतलब हरिद्वार साइड से आ रहे हैं या देहरादून साइड से आ रहे हैं तो यहीं पे कट है तो कट से आप इधर ईजिली ले सकते हैं मतलब आपको कोई यू टर्न वगैरह नहीं मारना पड़ेगा तो कुल मिला के अभी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी चलते हैं अब आपको मिलेंगे हम सीधे घर ठीक है।